टोक्यो ओलंपिक की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, स्टेडियम से लेकर मेडल तक तैयार हैं, काउंटडाउन चल रहा है। लेकिन खेलों के इस महाकुंभ पर किलर वायरस का ग्रहण लगने की आशंका भी तेजी से बढ़ती जा रही है। जापान के तमाम इंतजाम के बावजूद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और ये वायरस आखिरकार ओलंपिक विजेता विलेज तक पहुंच गया है। महामारी की आशंकाओं के बीच कैसी चल रही है खेलों की महाकुंभ की तैयारी, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। टोक्यो एक बार फिर तैयार है। ओलंपिक 2020 ओलंपिक विलेज पूरी तरह रेडी। दुनिया के सबसे बड़े खेलों के महाकुंभ में हर दिन हजारों खिलाड़ी जुट रहे हैं। ओलंपिक मशाल जलने में चंद दिन रह गए, काउंटडाउन चल रहा है। 23 जुलाई से खेलों के महाकुंभ का शुभारंभ है। महज 6 दिन बाद दुनिया भर के खिलाड़ी टोक्यो के ओलंपिक विलेज में जोर आजमाइश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ इमरजेंसी सायरन बज उठा है। टोटल तालाबंदी के बावजूद कोरोना का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरी दुनिया के एथलीट्स और फैंस को जिस बात का डर था, उसकी आशंका थी, जिसकी आशंका थी उसकी शुरुआत हो गई। किलर कोरोना वायरस का संक्रमण टोक्यो के ओलंपिक विलेज तक पहुंच गया है। टोक्यो ओलंपिक पर ही कोरोना वायरस का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। स्पोर्ट्स इवेंट शुरू होने से पहले ही ओलंपिक विलेज में कोरोना का पहला केस सामने आया है। खेल गांव में तैयारी में जुटा एक अधिकारी कोरोना संक्रमित पाया गया। हालांकि आयोजकों ने संक्रमित अधिकारी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया है। भले ही ओलंपिक विलेज में कोरोना का पहला मामला है, लेकिन खबर डराने वाली। 2 दिन पहले जापान में मौजूद एक खिलाड़ी और 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं ब्राजील की जूडो टीम जिस होटल में रुकी, वहां के 8 कर्मचारियों के भी संक्रमित होने का मामला सामने आया है। पूरे जापान में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। खतरे को भांपते हुए आपातकाल लगाया जा चुका है। खेल गांव में दर्शकों पर पाबंदी लगा दी गई। पहली बार ओलंपिक खेलों को स्टेडियम में देखने से खेल प्रेमी महरूम हो जाएंगे। बावजूद इसके वायरस की तेज रफ्तार खेलों के महाकुंभ में विघ्न बाधा डाल रही, क्योंकि जापान तेजी से संक्रमित हो रहा है। जापान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को 3,418 केस सामने आए। इस दौरान 24 लोगों की मौत भी हुई। कहा जा रहा है कि ये पिछले 6 महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन्हीं वजहों से टोक्यो में आपातकाल को बढ़ाकर 22 अगस्त तक कर दिया गया है। इस दौरान पार्क, होटल, रेस्तरां, थिएटर को 8 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए। ऐसे में डर है कि ओलंपिक्स कहीं फिर से न टल जाएं। ओलंपिक अगर टलते हैं तो जापान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे तो हर 4 साल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में ओलंपिक को टालना पड़ा था। अब साल भर की देरी से जापान के टोक्यो में इसके आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई। खिलाड़ियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। TV9 भारतवर्ष आपको टोक्यो ओलंपिक विलेज की वो तैयारियां दिखा रहा है, जहां 18,000 एथलीट 21 रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहेंगे और यहां उनके रहने का कमरा कुछ इस तरह का होगा, हाईटेक और सेफ। इन कमरों को इस तरह तैयार किया गया है कि संक्रमण का खतरा कम। शहीनी ओलंपिक विलेज में एथलीट्स को आने जाने के लिए सेपरेट इलेक्ट्रिक शटल्स की भी सुविधा दी जाएगी। संक्रमण को रोकने के लिए कमेटी का निर्देश है कि ट्रेनिंग और इवेंट के बाद भी एथलीट्स कंपाउंड के अंदर रहेंगे। खेल शुरू होने तक ओलंपिक विलेज में रहने वाले 80% ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लग गए होंगे। बावजूद इसके सभी एथलीट्स और स्टाफ के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा और हर दिन सबका कोरोना टेस्ट भी होगा। अगर जांच के दौरान कोई संदिग्ध लगा, 200 ओलंपिक गांव में ही बने फीवर क्लिनिक में आइसोलेशन में रखा जाएगा और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। कोशिश होगी कि खिलाड़ी कैंटीन में अकेले ही लंच या डिनर करें, ताकि एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे न हो सके। मतलब साफ है, जापान की पूरी कोशिश है कि इस बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो। जापान ओलंपिक समिति ने 33 पन्नों की कोरोना रूल बुक भी बनाई, जिसमें मेडल जीतने वालों के लिए भी सख्त नियम है। ओलंपिक में जाने वाले हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतना,
उस पोडियम पर खड़े होना जहां पर मेडल पहनाया जाता है, और ये लम्हा उनके जीवन का सबसे यादगार लम्हा बन जाता है, क्योंकि देश के लिए मेडल जीतना किसी के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन कोरोना के चलते ये ख्वाब भी अब दूसरी तरीके से मुकम्मल होगा। ओलंपिक में मेडल पहनाया नहीं जाएगा। इस बार ओलंपिक्स के विजेता एथलीटों को मेडल अपने गले में खुद ही डालने होंगे, और इसके अलावा मेडल सेरेमनी के दौरान हाथ मिलाने या गले मिलने पर भी रोक होगी। जरा सोचिए, ओलंपिक विलेज में कोरोना से लड़ने की इतनी बड़ी तैयारी, फिर भी कोरोना वायरस का संक्रमण खेल गांव तक फैल गया और किलर वायरस की आंधी ओलंपिक खेलों के साथ खिलवाड़ कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।